हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और मेरा वार्डबुक के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा बरसात के मौसम में जो है बाघ को जो है क्या क्या बीमारी लग जाता है और उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं और क्या क्या मेडिसिन जो है हम इस्तेमाल करेंगे तो बाघ जो है सुस्त रहेगा, हेल्दी रहेगा और बरसात के मौसम में जो है कोई भी प्रॉब्लम बाघ को नहीं होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बाघ को जो है बरसात के मौसम में एयर में जो है ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होने की वजह से बाघ को जल्दी से बीमारी लग जाता है और अगर कोई भी बाघ का जो है इम्यूनिटी बहुत ही कम हो तो उससे जल्दी से जो है बीमारी पकड़ लेता है, ठीक है। और बरसात के मौसम में जो है ज़्यादा बारिश होने की वजह से एक केस के अंदर अगर गंदा हो या पानी अगर आप बेवाइडी चेंज नहीं करोगे तो बाघ को जो है बैक्टीरियल और प्रोटोजोअल इन्फेक्शन जो है ज़्यादा इस बरसात के मौसम में ही होता है। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि जो बाघ का जो पानी है वो डे बाई डे चेंज करना है और बाघ को जो दाना हम प्रोवाइड करते हैं उसको जो है धूप में सुखाने के बाद अच्छे से साफ करके बाघ को प्रोवाइड करें, ताकि दाना या पानी से कोई भी फंगस या कोई भी इन्फेक्शन बाघ को नहीं होगा और बाघ का जो केस का फ्लोर है या केस का ट्रे है वो भी अच्छे तरीके से साफ करके रखना चाहिए इस बरसात के मौसम में। ये तो गया हमारे बाघ। इसके बाद कि क्या मेडिसिन हम इस्तेमाल करेंगे ताकि बाघ जो है सुस्त रहे और अच्छा रहे, हम क्या मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड पाउडर है, इस मेडिसिन को जो है हम 2 ग्राम करके 1 लीटर पानी में कंटिन्यूसली 2 वीक्स यानी कि 14 से 15 डे हम इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि बाढ़ जो बाढ़ बीमार है वो ठीक हो जाएगा और जो बाढ़ जो है सुस्त है उससे भी जो है बीमारी जल्दी से लग नहीं पाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और ये एक बहुत ही हल्का एंटीबायोटिक है। अगर केस के अंदर आपका बाढ़ का चीक्स भी होगा तो जो है इस मेडिसिन के यूज़ करने के बाद भी जो है कोई भी प्रॉब्लम चीक्स को नहीं होगा फ्रेंड्स। और एक मेडिसिन का इस्तेमाल आप कर सकते हो जो है मेरी क्वीन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हो 1 लीटर पानी में 2 ml करके कंटिन्यूसली 14 से 15 दिन आपको इस्तेमाल करना है। और ये मेडिसिन आप अगर इस्तेमाल करोगे तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है जो बाढ़ के ऊपर जो है बहुत ही अच्छा काम करता है। तो इस 2 मेडिसिन में से कोई भी एक मेडिसिन आप अगर इस्तेमाल करोगे तो आपका बाढ़ जो है बीमार नहीं होगा और कोई भी बाढ़ बीमार पड़ गया तो वो जल्दी से ठीक भी हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद अब एक प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है, जो मटकी के अंदर जो चीज होता है वो बहुत ही नरम करता है और मटकी के अंदर जो है भीगा रहता है। इससे क्या होता है जो बाढ़ का जो चीज है उसका मुँह में जो है पोटी वगैरह अटक जाता है या फेदर में अटक जाता है तो फेदर भी ठीक से ग्रो हो नहीं पाता है और वो ठीक से खा भी नहीं पाता है। तो ये प्रॉब्लम हमें फेस करना है। तो ये प्रॉब्लम का सलूशन हमें कैसे मिलेगा, हम जो इलेक्ट्रोल पाउडर होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 3 से 4 दिन पानी में मिलेगा तो उससे क्या होगा कि बाढ़ का जो पॉटी है वो ठीक हो जाएगा। और एक चीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हो जो नींबू का रस होता है उसे पानी में मिलाकर आप इस्तेमाल कर सकते हो 3 से 4 दिन तो ये प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगा। नींबू का रस को हमें इस्तेमाल करना है 100 ml पानी में 25 से 30 ड्रॉप हम नींबू का रस देंगे, उसके बाद जो बाघ को प्रोवाइड करना है कंटिन्यूसली 3 से 4 दिन। तो क्या होगा कि आपका बाघ का जो प्रॉब्लम है मोशन का जो प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो आज का वीडियो जो है इसके ऊपर था। तो वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स और वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट का आंसर देने के लिए। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।